15 लाख का हर वार्ड में मिला है, काम होगा। और अध्यक्ष महोदय को 50 लाख का और मुझे 30 लाख का मिला है जी, मिल गया। हाँ जी, आज संतुष्ट हो गया है। एक बड़ी बात आप निकल जा रही है जी, तो 15 लाख जी, प्रत्येक वार्ड और आपको 30 लाख और अध्यक्ष महोदय को 50 लाख काम। डीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सर्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। वार्ड पार्षदों को अधिकार दे दिया गया है कि वो 15 लाख का काम करें। देखिए, एक नए वार्ड पार्षद निर्वाचित है, हम इनसे जाने 15 लाख रुपए का हिसाब किताब मिला है। नगर में वार्ड में आप विकास कर सकते हैं, क्या योजनाएं हैं? हर एक वार्ड में मतलब जी 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 देखिए वार्ड में मतलब 15 लाख का काम मिला है। उसके बाद से उगाई का काम हो रहा है। बरसात आने से पहले मतलब जितना भी मतलब अगर जेसीबी का जरूरत पड़े या टाली का जरूरत पड़े सब चीज़ नगर परिषद उपलब्ध करा के पूरा उगाई होगा। हम लोग डीएवी मोड़ से लेकर आनंद नगर मोड़ तक है, महिला थाना तक है, मुख्य नाला है, उसका भी मतलब बहुत जल्दी सर सफाई हो जाएगा। ऐसे जो योजना है वो 10-10 लाख का, 10-10 लाख का तो अभी टेंडर हो चुका है, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे जो भी मतलब हम लोग लिखवाएं अपने वार्ड में मतलब अगर नाला हो या जितना भी हो वो सब चीज़ टेंडर में चढ़ चुका है। धीरे धीरे एक बाई एक करके मतलब एक एक काम होगा। 15 लाख सुन के बड़ा डर लगता है। क्यों 15 लाख सुन के क्यों? देखिए हमारे आज आपको 15 लाख मिला विकास के। जी जी जी, क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी आपको? आपने बड़ा शिकायत किया था इसके पहले वाले। नहीं, शिकायत तो किए थे, शिकायत तो नहीं 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 नहीं, अभी रुपया नहीं मिला है अभी विकास। अभी तो कागज में अभी टेंडर हुआ है, ठीक है सर। 10 लाख का मतलब टेंडर हुआ है और 7.5-7 लाख का मतलब विभागीय काम। हाँ बोलिए बोलिए सर। 15 लाख जो मिला है काम वो विकास के काम लगाओ, नाला का। हाँ, एक चीज और कहेंगे हम स्कूटी साहब से कि जितने भी नाला पर जो रखे हैं कहीं सफाई कर्मचारी जा रहे हैं तो झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हम सफाई स्कूटी साहब से मेरा यही निवेदन रहेगा कि अनाउंसमेंट करवा दें कि अपना अपना जगह जो नाले पर रखे हैं सिलाब चाहे अथी करके एक बार कम से कम अच्छा से सफाई हो जाएगा तो बहुत दिन तक माने नाला की सुरक्षा और बढ़िया रहेगा सफाई। ठीक तो आपने ठीक है, वे बोलते हैं तो उन्हें बोलते मैंने वे बोलते हैं कि मैंने वार्ड वाले जन सफाई करने जाते हैं तो मैंने जहाँ सिलाफ है तहाँ से हटा के जाते हैं तो अपन बढ़िया से साफ करवा लीजिए, बढ़िया से सुंदर काम देखेगा, अच्छा लगेगा। हाँ सुनीता देवी मोहदीपुर दूल नंबर वार्ड। बोर्ड के इस बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ? बोर्ड का जो बैठक था मेनली जो 26/4 को जो बैठक हुआ था जिसमें सुने थे कि कुछ कुछ मतलब सुनने में आता है कुछ विवाद की स्थिति या कुछ इस तरह का किन्हीं लोग को द्वारा दिया गया था तो उसी का गत बैठक की संपुष्टि थी। तो मेन एजेंडा जो था गत बैठक की संपुष्टि ही है। उसके अलावा दो और एजेंडा है, नगर परिषद सिवान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के क्रियान्वयन पर विचार और एक नाला उराही साफ सफाई पर विचार। यही तीन एजेंडा है। जो खरीदारी को लेकर जो विवाद था भी उसकी भी करीब-करीब समाधान मतलब जिससे कोई विवाद नहीं था जो कि सदन के अंदर का जो भी चीज़ था तो संपुष्टि में ही क्लियर होगा ना कि किनका विरोध है या जो भी है। तो जो गत बैठक की संपुष्टि की गई है तो जिनको जिनको जहाँ आपत्ति था किन्हीं लोगों का योजना पे आपत्ति था कि ठीक है कुछ योजना है तो जो आपत्ति था उस अंश को उस आपत्ति को आपने दर्ज किया उस आपत्ति को हटा के संपुष्टि किया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो बोर्ड की बैठक हुई है इसमें मुख्य बिंदु क्या है, क्या क्या है सामने, क्या क्या बातें हैं इसमें? जो है मुख्य बिंदु बात यह हुआ है सर सफाई नगर परिषद के जो है नाला उगाही का कार्य चल रहा है उसमें जेसीबी और लेबर रखने का जो है निर्णय लिया गया है और 10-10 लाख योजना के जो है टेंडर भेजने की बात हुई है। उसके अलावा जो है ये आपको सर शिकायत दूर हो गया ना आज? जी आज जो है नियम अनुसार मीटिंग हम लोग बीता है जिस तरह से होना चाहिए। अभी जो है योजनाएं जो है जो
पारित हुआ है वो सब उसको लिखा जा रहा है और हम लोग के सामने जो है प्रोसीडिंग को क्लोज किया जाएगा। पिछला जो विवाद था कह रहे थे गाड़ी नहीं खरीदाएगा या बहुत सारी चीजें बुनियादी बातें जो होती हैं, आज आपकी जो मांगे रही आज उनको माना गया। जी देखिए, गाड़ी खरीदने की जहाँ तक बात है उसको ये किया गया है कि हम लोग के पास नगर परिषद में जो पुरानी गाड़ी पड़ी है उसको जो है रिपेयर करा करके उसके बाद आवश्यकता पड़ता है तो नए गाड़ी की खरीदारी होगी। जैसे जो एजेंडा था ना, हम लोग का तीन एजेंडा था। पहला एजेंडा था गत बैठक की संपुष्टि, उसको हम लोग संपुष्ट किए हैं जी। दूसरा एजेंडा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श, उस पर भी हम लोग विचार करके उसको पारित किए हैं। और तीसरा एजेंडा है नाला उगाही पर और साफ सफाई पे, उसको भी हम लोग पास किए हैं। जैसे भी या ट्रैक्टर जैसे भी हो रख के आदमी रख के नाला जो सिवान शहर का मेन नाला है उसको हम लोग 3-4 दिन पहले से काम लगा दिए हैं और बरसात के पहले पूरा नाला शहर का नाला सफाई हो जाए। आज की बैठक की क्या महत्वपूर्ण बात है? आज की बैठक में सभी पार्षदों और उपसभापति और सभापति के द्वारा कार्यपालक अधिकारी है उनके द्वारा यही निर्णय लिया गया कि शहर का विकास किया जाए और इसको काम को आगे बढ़ाया जाए और साफ और स्वच्छ सीवान बनाया जाए। निश्चित रूप से अध्यक्ष, परिवार की मुखिया के तौर पर आप इस परिवार की मुखिया हैं और मुखिया के तौर पर आपको क्या क्या चैलेंज क्या क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? बहुत सी समस्याएं आ रही है सामने, बहुत सी समस्याएं हैं। सब कुछ से कहा गया है कि जो भी जिसकी जो आपत्ति है उसको बोले और कहे तब ना कोई जानेगा किसकी क्या समस्या है और किसको क्या चाहिए। सबको बोलने का अधिकार है, जनता के द्वारा सबको जीत कराया है यहाँ पर, सबकी मांगे जो जिसको चाहिए उसको दी जाएगी, पूरी की जाएगी, यही तो हमारा कहना है। कुछ पार्षद ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप चेयरमैन हैं निर्वाचित रूप से, लेकिन आप थोड़ा बोलती उलती कम है। अभी तो फिलहाल बोलना इन्होंने चालू कर दिया। उम्मीद यही है कि जनता के हित की बात, कम बोलना अच्छा है, सेहत के लिए कम बोलना ही अच्छा रहता है। मजी हुई राजनीति की तरह अध्यक्ष महोदय, हिंदू महिलाओं के क्या कहेंगे आज की बैठक में, क्या बड़ी बात है? आज की बैठक बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ। पिछले बैठक में जो निर्णय ले गया था उसी को संपुष्ट किया गया है आज की बैठक में। जी उड़ाई की और योजना जो इसके पहले हुआ था आज संपुष्ट हो गया, अब काम लग जाएगा। हर वार्ड में 15-15, 7.5-7 लाख का मतलब 15 लाख का हर वार्ड में मिला है, काम होगा। और अध्यक्ष महोदय को 50 लाख का और मुझे 30 लाख का मिला है। जी मिल गया, हाँ जी आज संपुष्ट हो गया है। एक बड़ी बात आप जी 30 लाख और अध्यक्ष महोदय को 50 लाख काम आज संपुष्ट हो गया है। जी आप लोग के सामने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सामने तो पूरा सिवान होगा जी, और जो वार्ड पार्षद हैं उनके लिए उनका वार्ड ही उनका कार्य क्षेत्र होगा। पूरे वार्ड में हक बनता है कि काम कराए हम लोग दोनों आदमी का, अध्यक्ष महोदय और मुझे। आप तो जिम्मेदारी मिल गई जी, बढ़ गया है। पार्षद गण भी बोले हैं लोग कि आप लोग का हक बनता है, इससे भी आगे आप लोग काम करा सकती हैं, आवश्यकता है तो।